ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। कुछ फोर्सा पंजाब दे विच हिंदू सिख भाईचारे नू लड़ाने की कोशिश कर रही हैं और खास तौर पर विदेशों च बैठे जिहड़े लोग ने वो चाहते हैं कि पंजाब का भाईचारा खतरे च पवे, लड़ाई होवे, किरे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जड़ियां शक्तियां हिंदुस्तान नू तोड़न लगियां, पंजाबी भाईचारे नू तोड़न लगियां, पंजाबीयत नू तोड़न लगियां होईयां, उन्हां दे मनसूबे पंजाब च कामयाब नहीं होणगे क्योंकि पंजाब ने बड़ा संताप लगभग 20 साल असी संताप झेलिया और बड़ी हार्ड अर्न शांति असी प्राप्त की है और भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल पंजाब दे अंदर हामी रहे ने, रक्षक रहे ने पंजाब और पंजाबीयत दे, असी किसी भी सूरज इन विगड़न नहीं देंगे। ये तो बहुत पुरानी ये चीज़ें हैं, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे IB वाले हमारे और तमाम एजेंसी अलर्ट करते रहते हैं, लेकिन पंजाब हमेशा ही उनका टारगेट रहा है क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है। उस वजह से बाहर के दुश्मनों की हमेशा निगाह रहती है कि पंजाब को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, इनको ख़राब किया जाए। लेकिन हमने केंद्र सरकार से ये निवेदन किया है कि जैसे ये रेफरेंडम 2020 का जिक्र हो रहा है और कैसे भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है हमारे नौजवानों को, और केंद्र सरकार इस पर सख्त संज्ञान लें और तमाम गवर्नमेंटों को इसके लिए वो हदायत जारी करें या उनसे मीटिंग करें, विदेश मंत्रालय एक्टिव हो। मुझे खुशी इस बात की है कि आज विदेश मंत्रालय ने भी इस पर संज्ञान लिया है और पंजाब सरकार इस पर बिल्कुल गंभीर है और हमारी सुरक्षा फोर्सेज इस पर बड़ी निगरानी रखे हुए हैं और कोई भी ऐसी घटना ना हो इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटियां बना दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट हमारा मीटिंगें कर रहा है और किसी तरह की ये घटना ना हो और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद इसको सुपरविजन कर रहे हैं।